हेलो, कैसे हैं दोस्तों? तो आज हमारा नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो हमने कल शुरू किया था रीट एग्ज़ाम के लिए, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को हमने कल बताया था कि दो भागों में डिवाइड करते हैं, पूर्व बाल्यावस्था व उत्तर बाल्यावस्था। तो कल हमने पूर्व बाल्यावस्था के बारे में आपको पढ़ाया था, तो आज हमारा जो टॉपिक चलेगा उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था की एज ग्रुप की हम बात करें, 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था को हम निम्न नामों से भी जानते हैं। जीवन का निर्माणकारी काल, यानी कि उत्तर जो बाल्यावस्था है या जो बाल्यावस्था है, इसको जीवन का निर्माणकारी काल भी कहा जाता है। अनोखा काल, उत्तर बाल्यावस्था को अनोखा काल भी कहा जाता है। इसी अवस्था का अन्य नाम है वैचारिक क्रिया अवस्था। वैचारिक क्रिया अवस्था अर्थात विचार करके क्रिया करना। इस अवस्था में बच्चा जो क्रिया करता है वो पहले विचार करता है, विचार करने के बाद उस क्रिया करता है, इसलिए इसको वैचारिक क्रिया अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रारंभिक विद्यालय की आयु, क्योंकि इसको जो बच्चा स्कूल जाता है तो इसी बाल्यावस्था के अंदर जाता है, इसके लिए इसको प्रारंभिक विद्यालय की आयु के नाम से भी इसको जाना जाता है। समूह की आयु, आपने देखा होगा समूह की आयु या टोली की अवस्था। बाल्यावस्था में बच्चा अपने जो अपने जैसे जो बच्चे होते हैं, समलिंगी जो बच्चे हैं, उनका एक ग्रुप बनाता है और समूह बनाता है, टोली बनाता है। टोली के अंदर ही वो सारी गेम खेलता है, सारी सारी क्रियाकलाप भी टोली टोली के अंदर ही करता है। इस प्रकार ये समूह की आयु है, इसको टोली की अवस्था भी कहा जाता है। शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल इसको माना जाता है, क्योंकि बाल्य अवस्था ही बच्चे की एजुकेशन का बेस होता है। जिस प्रकार की हम बाल्यावस्था के अंदर बच्चे के सीखने की व्यवस्था करेंगे, वही उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। नेक्स्ट मूर्त चिंतन की अवस्था। मूर्त चिंतन की अवस्था का ही अन्य नाम है तार्किक चिंतन की अवस्था। देखिए, इस अवस्था में बच्चा जो चिंतन करता है, चिंतन वैसे 3 प्रकार का होता है, लेकिन बाल्यावस्था के अंदर जो चिंतन होता है मूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है, या इसको तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि बच्चे के सामने जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उन चीज़ों को देख कर ही वो चिंतन करता है, उन चीज़ों को देख कर चिंतन करता है। जैसे कि आप कल्पना कर सकते हैं, ये मेरे हाथ में एक डब्बा है, अगर हम बच्चे को डब्बा दिखाएंगे तो हमें पूछ सकते हैं कि बच्चा ये क्या है, तो बच्चा इन चीज़ों को देख के बता सकता है ये चीज़ क्या है, उसके बारे में प्रश्न पूछ सकता है। तो जो हमें बता रहा हूँ मूर्त चिंतन की अवस्था अर्थात बच्चे के सामने अगर हम वस्तुओं को रखेंगे और तब हम क्वेश्चन पूछेंगे, या बच्चा उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल। इस अवस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल भी कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता का काल भी इसको कहा जाता है। खेल की आयु, बाल्यावस्था को खेल की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु शैशव अवस्था कहा जाता है। खिलौनों की आयु शैशव अवस्था कहा जाता है, जो कि खेल की आयु बाल्यावस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था के अंदर बच्चे है अपनी टोली बनाकर भिन्न भिन्न प्रकार के गेम खेल खेलता है। नेक्स्ट है गंदी अवस्था। इसी अवस्था को गंदी अवस्था भी कहते हैं। गंदी अवस्था कैसे कहते हैं, क्योंकि आप इस अवस्था में देखो अगर बच्चे हैं अपनी स्कूल यूनिफॉर्म भी बहुत गंदी करते हैं, खाना खाते समय भी सारे कपड़े खराब कर लेते हैं, या एक प्रकार से थोड़ा साफ सफाई के प्रति भी ज़्यादा केयर, पानी भी पीते हैं तो भी सारे कपड़े वगैरह गीले कर लेते हैं। इस प्रकार इस सब गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसी अवस्था का एक और अन्य नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था का एक अन्य नाम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जितने भी हमने नाम पढ़े, ये सारे के सारे नाम बाल्य अवस्था के, उत्तर बाल्य अवस्था के या बाल्य अवस्था के सारे नाम है। बाल्य अवस्था की विशेषताएं, नेक्स्ट है बाल्य अवस्था की विशेषताएं। देखिए, बाल्य अवस्था की विशेषताओं की बात करें तो मुख्य रूप से जो इस अवस्था में विशेषताएं पाई जाती हैं, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। देखिए, बाल्य अवस्था में जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है उसमें स्थिरता आ जाती है, क्योंकि ऐसा अवस्था में बहुत तेजी से शारीरिक व मानसिक विकास होता है। उसी विकास के अंदर शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, यानी ठहराव आ जाता है बाल्यावस्था के अंदर। झूठ बोलने की प्रवृत्ति का विकास भी बाल्यावस्था में हो जाता है। ऐसा अवस्था में बच्चा झूठ नहीं बोलता, लेकिन बाल्यावस्था में आता आते बच्चे के अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। मुख्य इसका कारण है कि बच्चा अपने परिवार के अंदर देखता है कि जो उसके पेरेंट्स वगैरह हैं या उनके द्वारा किस प्रकार का बिहेव किया जा रहा है, तो ये जो डेवलप उसके अंदर होता है, वो पेरेंट्स या अपने चारों के ओर के माहौल को देखकर उसके अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति का विकास भी बाल्यावस्था के अंदर ही पाया जाता है। इस अवस्था के अंदर बच्चा झूठ बोलने व छोटी छोटी प्रकार के चोरी करने के काम भी इस अवस्था के अंदर बच्चा करने लग जाता है। आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति, यानी ऐसा अवस्था में जो बच्चा अपने प्रत्येक कार्य के लिए अन्य व्यक्ति पर निर्भर होता था, उसी अवस्था में बाल्यावस्था के अंदर बच्चे के अंदर आत्मनिर्भरता की भावना डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट की हम बात करें रचनात्मक कार्यों में आनंद, यानी इस अवस्था के अंदर बच्चे नए नए प्रकार के रचनात्मक कार्य करने लग जाता है और उसको करने में उसको बहुत इंटरेस्ट भी आता है। समूह में खेलना मैंने अभी बताया था, बच्चा टोली बनाता है, समूह बनाकर अपने गेम खेलता है, उसमें नेता बनता है, और टीम बनाकर या समूह बनाकर जो गेम खेलता है उसको खेलने में इसको बहुत ही आनंद होता है। सामाजिक भावना का विकास, इस अवस्था के अंदर बच्चा गेम में भाग लेता है, समूह में रहता है, तो इस प्रकार जब एक दूसरे के साथ रहना, टोली बनाना, कोई गेम खेलना, तो बच्चे के अंदर जो सोशल
जो भावना होती है सामाजिक डेवलपमेंट की भावना होती है या सामाजिक मेलजोल की भावना होती है, इस अवस्था में बहुत गहरी पाई जाती है। इस अवस्था के अंदर बच्चों के अंदर दोस्ती की जो भावना है वो भी बहुत गहरी पाई जाती है। नैतिक भावना का विकास इस अवस्था में बच्चा जब 6 अवस्था में बच्चे के अंदर कोई नैतिकता के गुण डेवलप नहीं होते, लेकिन इस अवस्था में नैतिक भावना का भी उसके अंदर थोड़ा थोड़ा विकास हो जाता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, यानी कि आप बच्चे को कुछ भी दे दो तो बच्चा उस चीज़ को संग्रह करेगा, अपने पास सेव करेगा, उसको अपना सुरक्षित रखेगा, यानी उन चीज़ों को उसे जोड़ने की एक इच्छा उसके अंदर पाई जाती है। आप रुपीज़ दे दीजिए और कुछ दे दीजिए, कोई वस्तु दे दीजिए, वो अपने पास उसको संग्रह करके रखेगा, अपने पास उसको रखेगा। नेक्स्ट है संवेगों पर नियंत्रण। देखिए काम क्रोध प्रेम आदि जो संवेग व्यक्ति में पाए जाते हैं, उन संवेगों पर शैशवावस्था में वगैरह में उनका जो कंट्रोल कम होता है, वो बाल्यावस्था के अंदर उन संवेगों पर उसका नियंत्रण काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। भाषा का विकास इस अवस्था के अंदर, उसके अंदर भाषा जो होती है उसका भी काफ़ी विकास हो जाता है। समलिंगी समूह बनाना, मैंने अभी बताया था कि बाल्यावस्था के अंदर बच्चा समलिंगी समूह बनाता है, मुख्य रूप से इस अवस्था में वो समलिंगी यानी अर्थात गर्ल्स अपना एक समूह बनाएंगे, बॉयज अपना एक समूह बनाते हैं, और वे अपने समूह के प्रति वफादार होते हैं, अपने समूह के प्रति प्रेम रखते हैं। तो समलिंगी अर्थात समान लिंग के जो समूह हैं वो इस अवस्था के अंदर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट नेता बनने की इच्छा, आपने देखा होगा बच्चों को खेलते हुए टोली बनाते हैं, उसमें एक बच्चा गेम की अगुवाई करता है, यानी उनके अंदर एक नेता बनने की बड़ी ही भारा गुण या डेवलप उनके अंदर पाया जाता है। खेल में रुचि सर्वाधिक मात्रा में वो इस एज के अंदर खेल में रुचि लेते हैं। मूर्त चिंतन की योग्यता, मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया था कि इस अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर मूर्त चिंतन की योग्यता विकसित हो जाती है। और वास्तविक रूप से अगर आप इन चीज़ों को देखना चाहते हैं तो अगर आप बच्चे के अंदर विकास को आप देखेंगे तो सारे गुण बच्चे के विकास को आप गहन रूप से देखेंगे तो सारी विशेषताएँ आपको उसमें नजर आएंगी। इनको आप बहुत ही और अच्छी बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, मुख्य रूप से इस अवस्था से संबंधित ब्लेयर जॉन सिम्पसन ने डेफिनेशन दी है कि अगर हम बाल्य अवस्था का अध्ययन करते हैं तो शैक्षिक दृष्टि से बाल्य अवस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई काल नहीं है। उन्होंने कहा कि शैक्षिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल, ब्लेयर जॉन सिम्पसन ने कहा, उन्होंने कहा कि जो अध्यापक इस अवस्था में बच्चों को शिक्षा देते हैं उन अध्यापकों को बाल्य अवस्था के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर उनको बाल्यावस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी तो बच्चों के सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं या उनके सामने जो समझने सीखने या जो भी प्रॉब्लम आती हैं उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं अगर उन्हें बाल्यावस्था की जानकारी है तो। अगले विद्वान रॉस हैं। रॉस की डेफिनेशन है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। कई बार पूछा जाता है किस व्यक्ति ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है, तो रॉस मोदे ने कहा है। नेक्स्ट है किलपैट्रिक की डेफिनेशन पे, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल की परिभाषा किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है काल ब्रूस के द्वारा जीवन का अनोखा काल, यानी किसके द्वारा बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है, काल ब्रूस के द्वारा जीवन का अनोखा काल कहा गया है। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम जब नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे उसमें हम किशोरावस्था का अध्ययन करेंगे। अगर हमारा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।